नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मरुदर क्लासेस पर। दोस्तों आज बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में, जिनके प्रवेश स्टार्ट हो गए कक्षा स से लेकर के जैन वेस्ट तक। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और आपके साथ में अगर आपके छोटा भाई बहन है, कक्षा 5 पास कर ली और 6 में अभी एडमिशन लेना चाहता है जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो वो अभी ले सकता है। दोस्तों इसकी लास्ट डेट 15 दिसंबर है, और कल यानी कि 22 अक्टूबर 2020 से ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो ये जानकारी सभी वेबसाइट पर जाकर के मैं दिखाने वाला हूँ। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगला लेटेस्ट वीडियो आप तक मिल सके। तो बात करते हैं कि जवाहर विद्यालय में कक्षा 6 से 17 2020-21 के लिए प्रवेश आयोजित किए जाने वाली परीक्षा जैन वेस्ट 2020 हेतु फॉर्म आज मतलब कि कल की डेट है 22 अक्टूबर 2020 से ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2020 है, और आवेदन की विस्तृत जानकारी हेतु आपको यहां पर मैं वेबसाइट पर लेकर के जाऊंगा। ये वेबसाइट है दोस्तों www.jawaharnavodaygovernmentin। इस पर जाकर के आप भी अपना फॉर्म रजिस्टर करवा सकते हैं। दोस्तों इसमें पहले परीक्षा देनी पड़ती है, BSTC की तरह या PTET की तरह परीक्षा देनी पड़ती है। उस परीक्षा में अगर पास हो जाते, सफल हो जाते विद्यार्थी, तो उसको फ्री में दोस्तों 5 साल पढ़ाई करने का मौका मिल जाता है। तो इस तरह की ये जवाहर नवोदय विद्यालय और काफ़ी ऐसी स्तरीय शिक्षा देता है दोस्तों। तो यहाँ पर अब हम वेबसाइट पर जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस तरह की वेबसाइट दिखाई देगी, यहाँ पर नवोदय विद्यालय समिति या नवोदय विद्यालय की वेबसाइट है। यहाँ पर आप जैसे ही नीचे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना होगा आपको। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है दोस्तों 3 डॉट, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर 3 डॉट की जगह दिखाई दे रहा है होम पेज, नीचे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिशन, आपको एडमिशन नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों एडमिशन नोटिफिकेशन, इस वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो खोल करके नई वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कक्षा 6 के लिए ऑनलाइन आवेदन 6, जिसको जिलेवार नवोदय विद्यालय का चयन परीक्षा 2021 में कक्षा 6 से लेकर के जो 9th तक के विद्यार्थी जो पढ़ाई करने वाले हैं, जिलेवार नवोदय विद्यालय के फॉर्म चयनित किए जा रहे हैं, और उनमें या तो मेरिट लिस्ट होगी या फिर परीक्षा के माध्यम से आपको पास किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको आवेदन करना है, अभी हाल ही में आवेदन करना है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है दोस्तों। आप सीधे ही वेबसाइट पर चले जाएंगे, यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेन वेबसाइट की तरफ यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर चेक योर एप्लीकेशन ऑनलाइन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन चेक करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर दोस्तों क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है देख, यहाँ पर प्रोडक्ट्स देखने के लिए क्लिक करें, पंजीकरण करने के लिए क्लिक करें, या पंजीकरण प्रिंट करने के लिए क्लिक करें। तो आपने दोस्तों पंजीकरण किया है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना, पंजीकरण नहीं किया है तो आपको यहाँ पर क्लिक करके नया पंजीकरण कर लेना है, और पंजीकरण प्रिंट यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगी पंजीकरण करने के बाद में। तो हम पंजीकरण कक्षा 6 पर क्लिक कर लेते हैं, और पूरी विस्तृत जानकारी आपको दे देते हैं कि इसमें क्या क्या जरूरी है। तो आप दोस्तों वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए।
तो दोस्तों इस तरह का ऑप्शन आएगा यहाँ पर। पहली बार तो क्या आपने प्रोडक्ट्स पढ़ा है, तो यहाँ पर बढ़ने पर आपको क्लिक करना, राइट करने के बाद में फिर नई वेबसाइट दोबारा ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों वेबसाइट खुल गई है और यहाँ पर बता रहा है कि डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। आपने जो प्रमाण पत्र अपलोड वगैरह करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना ऊपर वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको राज्य सुनना सबसे पहले, उसके बाद में ब्लॉक सुनना, उसके बाद में उम्मीदवार का नाम, उसकी जन्म तिथि और उसकी माता का नाम, अभिभावक का नाम दर्ज करें, माता पिता दोनों में से कोई किसी का भी कर सकते हैं, उम्मीदवार की राष्ट्रीयता यहाँ पर इंडियन है तो इंडियन, फिर लिंग शहर यहाँ पर पुरुष है स्त्री है जो भी, उसके बाद में परीक्षा का माध्यम सुने, तो यहाँ पर आपको परीक्षा का माध्यम कौन सी भाषा में देना चाहते हैं, इंग्लिश हिंदी तमिल, कुल 20 भाषाएं में दोस्तों यहाँ पर परीक्षाएं होती, तो 20 में भाषाओं में से आपकी कौन सी भाषा आप परीक्षा देना चाहते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। फिर विकलांगता, अगर आप विकलांग है वगैरह, नेत्रहीन वगैरह, तो यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद में विकलांगता जो आपकी विकलांगता सर्टिफिकेट है उसके अंदर कौन से प्रतिशत दिए वो डालने हैं, फिर धर्म क्या है वो, फिर आधार नंबर, और उसके बाद में वर्तमान का डाक पता आपको डालना ज़रूरी है, राज्य सुने, राज्य का नाम और स्टेट कोड, टेलीफोन नंबर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। ऊपर दोस्तों यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर और दिया गया है, यहाँ पर ज़िले का चयन करना है राज्य के बाद में, उसके बाद में यहाँ स्कूल का नाम, जिस स्कूल में उम्मीदवार 5वीं में पढ़ रहा है उस स्कूल का नाम डालना, फिर मोबाइल नंबर ज़रूरी है, ईमेल आईडी ज़रूरी है, पिता का नाम दर्ज करना पड़ेगा, अभिभावक के साथ क्या संबंध है वो यहाँ पर डालना ज़रूरी है दोस्तों, और पहचान चिन्ह आपके पास में आधार कार्ड वगैरह है तो वो, और कौन सी श्रेणी है वो डालनी ज़रूरी है, ओबीसी एससी एसटी जो भी है। उसके बाद में दूसरा धर्म है तो वो डालना है, माता पिता की वार्षिक आय आपको यहाँ पर टाइप करनी ज़रूरी है कितनी आय है, और पिन कोड जो कि पोस्ट ऑफिस का वो आपको डालना ज़रूरी है आपका शहर का। उसके बाद में राज्य और जिला, आवासीय ज़िला आप जिस ज़िले में रहते हैं उसको ज़रूरी है, और फिर राज्य में यहाँ पर स्कूल का विस्तार दिया गया है, राज्य का नाम, ज़िले का नाम, यहाँ पर सभी सूझ करने पड़ेंगे, ब्लॉक का नाम, गांव का नाम, स्कूल का नाम, तीन तीन एड्रेस भरने ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पर स्कूल का स्थान कौन सा है वो डालना, फिर वर्ष और उसके बाद में महीना, उसके बाद में यहाँ पर क्या क्या ज़रूरी दस्तावेज है ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अपलोडेड मार्क दिया गया वहाँ पर, आप यहाँ पर सभी अपलोड करें। यहाँ पर साइज दी गई है 100 KB यानी 10 MB और 100 KB। इन जगह पर प्रारूप केवल उम्मीदवार का पासपोर्ट आकार का फ़ोटो अपलोड करना है, पहले वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना है, उसके बाद में उम्मीदवार के हस्ताक्षर यहाँ पर अपलोड करने हैं, फिर अभिभावक के हस्ताक्षर अपलोड करने हैं, यहाँ पर माता पिता में कोई भी हस्ताक्षर करे वो अपलोड करने हैं, उसके बाद में यहाँ सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यहाँ पर आवेदन अपलोड करना है, यहाँ पर जो आपका प्रमाण पत्र है या 5वीं की मार्कशीट है वो यहाँ पर आपको टाइप करनी ज़रूरी है, या फिर आपका आधार कार्ड है, जो भी सर्टिफिकेट आपके पास में या आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र का, तो वो यहाँ पर चूज करना ज़रूरी है, और फिर सबमिट और पुनरावलोकन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप करेंगे तो आपका फॉर्म भर जाएगा और फीस है जो कि होगी तो यहाँ पर कट जाएगी, और फिर आपको यहाँ पर टाइप करने के बाद में डाउनलोड करने का क्लिक दिया गया है, तो यहाँ पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई, अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगला लेटेस्ट वीडियो आप तक मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।